असलकम स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने किसी आइडिया के अपॉर्चुनिटी होने के हवाले से उसके सोशल वैल्यू पोटेंशियल की बात की इस मॉड्यूल में हम उसके मार्केट पोटेंशियल की बात करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल हम बिजनेस रूल्स को यूज़ करते हुए बिज़नेस रूल्स और टेक्निक को यूज़ करते हुए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं मार्केट पोटेंशियल को मेजर करने के लिए या उसको असेस करने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो वही है जो सोशल वैल्यू पोटेंशियल को असेस करने के लिए यानी मीटिंग द नीड अगर लोगों की कोई ज़रूरत पूरी होती है तो ऑफ कोर्स उस ज़रूरत को पूरा करने लिए वो उसको फी भी पे कर सकते हैं अगर प्रॉफिट या सब्सिडाइज है वो उस सर्विस को ज़्यादा नंबर में अवेल कर सकते हैं अगर नॉट फॉर प्रॉफिट जो है वो सोशल एंटरप्राइज है तो जो इम्पेक्ट है वो बढ़ जाएगा तो किसी नीड से लोगों की क्रिस्पॉन्ड करना उस आइडिया का ज़रूरी है अगर आइडिया जो है वो लोगों की नीड से क्रिस्पॉन्ड करता है तो डेफिनेटली इट हैज़ अ मार्केट पोटेंशियल तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी अवेल करना जो है वो वायबल है समझ में आता है दूसरा क्राइटेरिया जो है वो हमने उस पर पहले भी कहीं बात की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देर इज़ अ स्पसिफिक टाइम हर बिजनेस हर एंटरप्राइज हर सोशल एंटरप्रेन्योर जो है उस इनिशियटिव के अंदर एक टाइम होता है एक स्पेसिफिक टाइम जिसमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन होती है मुराद ये कि सोशल एंटरप्रन के पास मौका होता है चांस होता है दैट दे कैन मेक अ डिफ्रेंस दैट दे कैन एंटर द मार्केट दैट दे कैन सर्व द पीपल कि वो जो करना चाहते हैं वो उसको करें उसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ बैक इन 2010 गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक जहाज़ जो है तेल का वो टूट गया था और सारा तेल जो है वो गल्फ़ में फैल गया था मतलब एक आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल थ्रेट जो है वो बन गया उससे क्या हुआ मैक्सिको में और बहुत सारे इश्यूज थे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में और भी एनवायरमेंटल थ्रेट्स थे लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं रहा था जब वो जहाज़ जो है उससे तेल समंदर में शामिल हुआ तो वो एक तरह से सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक विंडो अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई जिसमें चूंकि वो बहुत एक इमरजेंसी थी जो भी आया वो जो भी सर्विस ऑफर कर रहा था एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए वो तेल को पानी से अलग कर रहा हो वो मछलियों को बाकी समंदरी हयात को बचाने के लिए कुछ कर रहा हो वो उस इलाके में तेल वाले जहाज़ों की आमदोरफ़्त के बारे में कवानी की बात कर रहा हो वो उन कम्यूनिटीज़ की बात कर रहा हो जो गल्फ़ के इर्द गिर्द रहती थी उनके जो मछली से या और समुद्री हयात से उनका जो कारोबार मुंसलिक था जो रोज़गार था वो उसकी बात कर रहा तो जो भी लोग उस वक्त एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव उन्होंने किया वो उस वक्त कामयाब हुआ उसकी रिसेप्शन हुई कम्युनिटी में क्योंकि लोगों को ज़रूरत थी कि उस एरिया को बचाया जाए उसको तेल से पा किया जाए उसको उनके लिए लिवेबल रखा जाए और उनके रोज़गार के मौाक़े जो हैं वो कंटिन्यू रह सकें ताकि उन्हें उस जगह को छोड़ना ना पड़े तो ये एक तरह से हालांकि एक नेगेटिव चीज़ थी एक डिज़ास्टर था एक हादसा था लेकिन उससे सोशल एंटरप्रन्यस के लिए एक मौका मिल गया उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई जिससे वो उस मार्केट में एंटर हो सकते थे अपना काम शुरू कर सकते थे तीसरा क्राइटेरिया जो मार्केट पोटेंशियल के हवाले से है वो है किसी आइडिया का इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल ऑफ कोर्स सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो फॉर प्रॉफिट भी हैं नॉट फॉर प्रॉफिट भी हैं और हाइब्रिड भी हैं कुछ जो हैं वो अपने बिजनेस के ज़रिए से पैसा कमा कर उसको सोशल कॉजेज पर खर्च करते हैं कुछ सोशल मिशन को ही अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बना लेते हैं और कुछ एक मिक्स या हाइब्रिड मॉडल यूज़ करते हैं हर तीन सूरतों में फ़ंडिंग या फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए एक ऐसा आइडिया जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके और अब ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप जो इनिशिएटिव है उसकी नेचर के मुताबिक इन्वेस्टर्स की नेचर भी बदलती है जो फार प्रॉफिट हैं उनके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट देख रहे हैं आइडिया ऐसा होना चाहिए कि इन्वेस्टर जो है उसको यकीन हो कि उस पर उसे रिटर्न मिलेगा जो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं वो डोनर्स को एट्रैक्ट कर सकें वो चैरिटेबल पर्सनस को अट्रैक्ट कर सकें आइडिया ऐसा होना चाहिए जिस पर लोग हंसी खुशी डोनेशंस देने को तैयार हों चैरिटी देने को तैयार हों कि ये एक ऐसा कॉज है जो लोगों की समझ में आता है उनके दिल के करीब है और वो माशरे में वो डिफरेंस जो है वो करना चाहते हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर उन्हें वो मौका फ़राहम कर रहा है अपने आइडिया के जरिए से कि वो वो डिफरेंस जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सो इन्वेस्टर्स ख़ा वो डोनर्स हों खा वो फार प्रॉफिट हों खा वो गवर्नमेंट्स हों हो, जो सब्सिडीज़ देती हैं या ग्रांट्स देती हैं किसी भी किस्म के इन्वेस्टर्स हों आइडिया उनके लिए एट्रैक्टिव होना चाहिए अगर तो आइडिया इन्वेस्टर्स को एट्रैक्ट करता है तो उसकी मार्केट पोटेंशियल है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करें अवेल करें अदरवाइज नहीं नेक्स्ट क्राइटेरिया जो हम मार्केट पोटेंशियल को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं वो मार्केट का साइज़ और उसमें जो कंपटीशन है वो है ये प्योर बिजनेस टर्म्स हैं जो बिज़नेस बैकग्राउंड के लोगों को आसानी से समझ आती हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स को शायद उस तरह से उनके लिए उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हैबिटेट फॉर कम्युनिटी एक सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत अरसे लो कॉस्ट हाउसिंग की मार्केट में काम कर रहे हैं वो लोगों को कम खर्चे पे बाजुकात इस तरह की प्रोडक्ट्स बना के कि वो हाउसिंग अफोर्ड कर सकें और बाद में उसके लिए पे कर सकें या साथ वो ऐसा कोई काम कर सकें जिसके ज़रिए से वो अपनी हाउसिंग की पेमेंट कर सकें तो वो डिज़ाइन और अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी शक्ल में वो सर्विसेज देते हैं अब अगर एक नया सोशल एंटरप्रेन्योर जो है उसके पास कोई आइडिया है लो कॉस्ट हाउसिंग का तो उसके लिए आसान नहीं होगा इस मार्केट में एंटर होना हैबिटेट फॉर हम्यूनिटी की मौजूदगी में क्योंकि उनका अरसे से एक नाम है एक मार्केट का बड़ा शेयर ऑलरेडी उनके पास है हम टर्म मार्केट यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि सर्विस एक बड़ा प्रोवाइडर जो है वो हैबिटेट फॉर ह्यम्यूनिटी हैं तो ऐसे में एक नया एंटरप्रेन्योर जो है उसके आइडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए उसमें पोटेंशियल हो कि वो हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी से या तो जो बची हुई मार्केट है उसको कैप्चर कर सके या फिर वो उसको कुछ ऐसा इनोवेटिव कुछ ऐसा फ़र्क दे जो पहले हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी ने ना दिया हो लो कॉस्ट हाउसिंग में जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके और फिर वो उस मार्केट में जो है वो शामिल हो सकते हैं मार्केट का साइज जो है सिर्फ वही मैटर नहीं करता कि अगर बड़ी मार्केट होगी तो हर एंटरप्रेन्योर को हिस्सा मिल जाएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्स की मार्केट है कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनके साथ लोगों की पसंद और लॉयल्टी होती है वो ईयर आफ्टर ईयर वही जो मैन्युफैक्चरर है उसी की गाड़ी खरीदते हैं नया मॉडल ले, ले लेंगे लेकिन रखेंगे वही बिल्कुल इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की मार्केट है जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है वो बेशक जितनी बड़ी मार्केट हो उनके साथ लोगों की एक लॉयल्टी होती है कि ये हमें जो सर्विस देंगे इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है इसके कुछ पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है ये हमारी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए काम कर रहे हैं ऐसे में नए एंटरप्रेन्योर के लिए अगरचे मार्केट साइज बेशक ज़्यादा है लेकिन उसके लिए अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना जो है वो मुश्किल होता है तो ऐसे आइडिया का मार्केट पोटेंशियल उसी वक्त है जब वो कुछ इनोवेटिव हो उसमें कुछ नया हो वो उस कंपटीशन को ले सके जो ऑलरेडी क्रेडिबल जो इन्वेस्टर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उनकी है इसी तरह कंपटीशन जो है वो आ, सिर्फ आ, जो न्यू एंट्रेंट्स है उन्हीं को फेस नहीं करना पड़ता जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है जो एक अरसे से मार्केट में एक मोनोपली इंजॉय कर रहा है या डुप्ली इंजॉय कर रहा है ऐसे में एक जो नई एंट्रेंट है एक नया सोशल एंटरप्रेन्योर नई एनर्जी नए आइडिया के साथ एंटर हो रहा है तो हो सकता है वो इनोवेटिव आइडिया उसका जो है वो लोगों की अट्रैक्शन का बायस बन जाए तो उसको एक थ्रेट महसूस होती है कि कंपटीशन में वो पीछे रह जाएगा तो वो अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको अडेप्ट करता है उसमें इनोवेशन लाता है मतलब उससे कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है कम नहीं होता तो न्यू एंट्रेंट्स एज़ वेल एज़ ओल्ड प्लेयर्स दोनों जो हैं उनको उस कंपटीशन को फेस करना होता है उसमें शामिल होना होता है ये नहीं हो सकता कि किसी एक साइड पे ही कंपटीशन हो तो ये वो क्राइटेरिया है जो के किसी आइडिया के सोशल अपॉर्चुनिटी होने के लिए उसका मार्केट पोटेंशियल डिटरमिन करते हैं ऑफ कोर्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो मार्केट है उसमें सप्लाई हमेशा डिमांड से कम होती है तो ऐसे में मार्केट साइज जो है वो बड़ा है लेकिन कंपटीशन कम है और ये बात नए सोशल एंटरप्रन्योर्स के लिए इनकरेजिंग और प्रॉमिसिंग है थैंक यू